G20 ओडिशार भागीदारी एप्रिल पहिलारु G20 संबंधी कार्यक्रम जारी राज्य शिक्षा और संस्कृति प्रसार केंद्र शिक्षा मंत्रालय बोर्ड प्रयास एही क्रम में सोमवार IIMT परिसर में आयोजित G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप सम्मेलन आज थिला द्वितीय दिन आज लॉजिस्टिक्स सेक्टर डेवलपिंग कोस्टल इकोनॉमी सागरमाला प्रोजेक्ट जनजाति गौरव भली अनेक विषय पर होइतला आलोचना कार्यक्रम मुख्य अतिथि थे दक्षता विकास और उद्यमिता राष्ट्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर से कही 2047 मसीहा बेलू भारतीय अर्थनीति 30 ट्रिलियन डॉलर सह विश्वर शीर्ष 3 स्थान मध्य थी भारत को यही लक्ष्य पहुंचाइबारे प्रमुख शक्ति साजिब युवशक्ति दक्षता आगामी दिन में आम कार्यक्षेत्र में प्रजुक्ति विद्यार उपयोग 100% रही केन्द्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर 2047 जब आप 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे हमारा इकोनॉमी होगा 30 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी और जरूर नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 का इकोनॉमी बनेगा हमें ये समझकर चलना है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे वर्कफोर्स पे हमारे अपॉर्चुनिटीज पर और उसके लिए नए नए स्किल्स और मैं मानता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पर खड़ा किया है इससे बहुत ही अच्छा और स्पष्ट मैसेज IIMT परिसर में आयोजित G20 प्रदर्शनी को बुले देखी केन्द्रमंत्री और केन्द्र शिक्षा सचिव अत्याधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर रे क्षेत्र में क्षिप्र गति में आगक बढ़ुची भारत जहां विश्व स्तर में अन्य अग्रणी देश तुलन ढेर अधिक जो आने वाले दिनों में जो हमारे अपॉर्चुनिटीज खड़े होंगे उसके लिए ये फ्यूचर स्किल्स ये जो एग्जीबिशन है कि फ्यूचर स्किल्स कौन से फ्यूचर स्किल्स होंगे वही स्टूडेंट्स फोकस करें ताकि जो आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज आएंगे उनसे वहां उनको एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब्स का भी मौका मिलेगा भविष्यतर भारत गठन दिगरे G20 सम्मेलन रो एही प्रदर्शनी बेस सहायक हेबो छात्र छात्री एवं गवेषकक पाई नुवा चिंता नुवा उद्भावन दिगरे पाटो देखायो बोली उभय कहिथिले जैसा आपको ज्ञात है सागरमाला हो या हमारी गतिशक्ति हो या हमारे पोर्ट्स का अपग्रेडेशन की बात हो और साथ ही साथ हमारी जो इंडिया स्टैक जो सिस्टम हमारी जो बनी है उसके आधार पर और उसके प्रभाव से हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर में काफ़ी गतिविधियां होने की संभावना है जिसके अंतर्गत हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक में काम कर सकें IIMT परिसर में आयोजित G20 सम्मेलन में 100 टी भविष्य मॉडल प्रदर्शित करिछति देश विदेश विभिन्न शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री जो भविष्य उन्नत ज्ञानकौशल संपर्कित अनेक मॉडल प्रदर्शित करा ड्रोन टेक्नोलॉजी ठू आरंभ कर रोबोटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि संपर्कित विषयवस्तु प्रदर्शनी स्थान पाई 28 तारीख पर्यंत चलो G20 वर्किंग ग्रुप्र विश्वस्तरीय सम्मेलन जोथे ओडिशार प्राचीन संस्कृति गरिमामय इतिहास वैभवशाली परंपरा को विश्व दरबार में पहुंचाई G20 सम्मेलन आनी अपूर्व सुजोग ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।